हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मिगार्गी एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट जेबीटी एंटरटेनमेंट न्यूज चैनल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जिसको लोग देखना बेहद पसंद करते हैं। ये शो लोगों को हंसाता है, इसी वजह से चर्चा में भी रहता था। पर अब कुछ टाइम से ये शो दूसरी वजह से काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल बीते दिनों रोशन भाभी का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसकी FIR भी उन्होंने दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, असित मोदी के साथ साथ एक्ट्रेस ने शो के प्रोडक्शन हेड सोहेल रहमानी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज पर भी एलिगेशंस लगाए थे। तो अब एक बार फिर से एक्ट्रेस का एक बड़ा बयान सामने आया है इस मामले को लेकर। जेनिफर ने बताया है कि उन्होंने नोटिस में जो भी बातें कही हैं उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, सब सच है, और पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। पर कुछ लोग इस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि असित ने उनके साथ छेड़छाड़ किया या सेक्सुअली हरास किया। उनका कहना है कि असित मोदी ने वर्बली उनको परेशान किया है, ना कि यौन संबंध एंड ऑल। साथ ही एक्ट्रेस ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि जो सच है उसे ही आगे बढ़ाया जाए और किसी की गरिमा को ठेस ना पहुंचाया जाए। तो वहीं आपको अगर याद हो तो इससे पहले एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था अपने साइट से ही, जहां उन्होंने कहा था कि उनकी चुप्पी को कमजोरी ना समझा जाए, जिसमें सबको वो इशारा समझ आ ही गया था कि वो असित मोदी की तरफ है। तो वहीं एक बार फिर से जेनिफर ने अपने बयानों से लोगों को छेड़छाड़ ना करने की अपील की है। साथ ही केस की जाँच हो रही है ये भी बताया, और उसके बाद जो भी होगा वो सच सबके सामने आ ही जाएगा। वेल, दैट्स इट फॉर नाउ। फॉर मोर अपडेटेड एंटरटेनमेंट न्यूज़ प्लीज लॉग इन आवर वेबसाइट www.thejbt.com।